सो गाइज, आज अपन बात करेंगे मिशो के बारे में। मिशो पे बैंक अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दोस्तों बैंक को ऐड करते टाइम प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, और जब भी आपका पे आउट रोल आउट होता है तब भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों कई सारी बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं मिशो यूज़र्स को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक करके इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें यार। और वीडियो बने आए तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मिशो से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ में यहाँ पर लेके आता रहता। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिशो एक रीसेलिंग एप्लीकेशन है, उससे आप रीसेल करके अर्निंग कर सकते हैं। बट दोस्तों जो भी आपकी अर्निंग आती हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती हैं, और बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बैंक अकाउंट को ऐड करते टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, और काफ़ी सारे यूज़र्स के कमेंट्स आते हैं मेरे को कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे IFSC कोड नहीं चल रहे हैं, मेरे नेम में प्रॉब्लम है, मेरे उसमें प्रॉब्लम है, मेरे पास पासबुक नहीं है, मैं क्या सेंड करूँ क्या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप बैंक माई बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पासबुक और चेक। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप वहां पर चेक ऐड कर सकते हैं, और अगर पासबुक भी नहीं है चेक नहीं है तो दोस्तों आपको जाना है सीधे अपने बैंक के अंदर, और वहां पर एक स्टेटमेंट निकाल के लाना है, और स्टेटमेंट के ऊपर आपको आपकी बैंक डिटेल, IFSC कोड नंबर और अकाउंट नंबर, सारा कुछ, आपका नाम, सारी डिटेल देखने को मिलती है, उसका फ़ोटो क्लिक करके भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक अकाउंट डाल देना है, और उसके बाद आपको अपने दोनों अकाउंट IFSC कोड डाल के सबमिट कर लेना है। और दोस्तों कई सारे यूज़र्स को ₹1 सेंड करता है मिशो वेरिफिकेशन के लिए, और कई सारे यूज़र्स को नहीं कर रहा है। ऐसे में दोस्तों कई सारे कमेंट आते हैं मेरे को कि सर मेरे को ₹1 नहीं आया है, और आया है तो फेल्ड हो गया है। तो दोस्तों एक अगर आपका ₹1 वाला वेरिफिकेशन फेल हो चुका है तो दोस्तों एक बार आप कोई और अकाउंट डाल के देखिए, अगर वो अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है तो आपके उस अकाउंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। आप अपने ब्रांच के नियरेस्ट जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में जाके मिलिए, इसमें पैसा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है, पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये है कि दोस्तों आप अपना कोई भी दूसरा अकाउंंट डाल दीजिए, उसमें पैसा आ जाएगा और आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आजकल डिजिटल ऐसे एप्लीकेशन है जैसे पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, वो उस प्लेटफॉर्म पर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से KYC कर लीजिए, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका 10 मिनट या फिर 5 मिनट के अंदर ओपन हो जाएगा, और वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कई सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनके यूज़र नेम तो सही है, बैंक अकाउंट नंबर भी सही है, बट दोस्तों IFSC कोड नहीं मैच करते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर इंडसइंड बैंक हो गया, ये बैंक क्या करते हैं अपने IFSC कोड को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप अपना बैंक चेंज कर दीजिए, या फिर आप किसी और का अकाउंट डाल दीजिए, और या फिर आप अपना खुद का नया अकाउंट कहीं पर डिजिटल, जैसे कि मैंने आपको बताया पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें ओपन करा के आप डायरेक्टली 5-10 मिनट लगते हैं, आपके पास अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो इस आप ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों ये सिंपल से सॉल्यूशन है जो कि आपको करने चाहिए अगर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम देखने को मिले नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लगा लाइक कीजिए, वीडियो बनाया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।